नमस्कार दोस्तों, पगार बुक में आपका स्वागत है। और अब हम देखेंगे पगार बुक को कैसे उपयोग करें, पगार बुक ऐप कैसे यूज़ करें। स्मॉल बिजनेसेस के लिए पगार बुक ऐप मतलब एचआर मैनेजमेंट टूल है। पगार बुक में आप आपके स्टाफ की सैलरी, अटेंडेंस, पेमेंट्स, एडवांस, लोन, इस सब का हिसाब कर सकते हैं। पगार बुक 100% सेफ और सिक्योर ऐप है। इसमें 100% डेटा बैकअप मिलता है और वो डेटा आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड रहता है। पगार बुक ऐप आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी भाषाएं आपको मिल जाएगी, इसमें से एक आप चुन सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक OTP मिल जाएगा, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपका नाम और बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि मासिक सैलरी आप कैसे जोड़ सकते हैं, हर महीना 30 दिन का या फिर कैलेंडर मंथ, मतलब हर मंथ के दिनों के हिसाब से या फिर हर महीना 30 दिन का, जो भी सही लगता है वो आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आप स्टाफ की शिफ्ट कितने घंटे की होती है वो भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 8 घंटे आ जाते हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस अकाउंट बन गया है और यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। स्टाफ, हाजिरी, नियुक्त करें, प्रोफाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल की जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऊपर हेल्प बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप आपके सवाल पूछ सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं तो आपको एक YouTube वाला आइकॉन दिखेगा और उसके बाजू में लिखा है पगार बुक इस्तेमाल करना सीखें। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पगार बुक ऐप कैसे यूज़ करना है ये सीख सकते हैं। तो एक एक करके हम सब देखते हैं। स्टाफ जोड़े पर हम क्लिक करेंगे, स्टाफ का नाम और यहाँ पर स्टाफ का मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ये सैलरी पेमेंट के तरीके आपको मिल जाएंगे, इसमें से एक आपको चुनना है। स्टाफ की मासिक सैलरी, क्योंकि हमने अभी सिलेक्ट किया है मासिक, तो यहाँ पर स्टाफ की जो भी मासिक सैलरी है वो, स्टाफ का महीना कैसे चलता है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब 10 से 10 या 15 से 15 या 1 से 1। ओपनिंग बैलेंस में हम बकाया या एडवांस डाल सकते हैं। तो ये आ गया मासिक स्टाफ। यहाँ पर स्टाफ का मोबाइल नंबर, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं घंटे का हिसाब, सैलरी प्रति घंटा हमें यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाफ का महीना, फिर से यहाँ कुछ बकाया या एडवांस है तो वो डाल सकते हैं। ये हो गया मासिक और प्रति घंटा स्टाफ, मोबाइल नंबर और दैनिक चुनते हैं, दैनिक सैलरी हमें यहाँ पर डालनी है, फिर से यहाँ पर स्टाफ का महीना कैसे चलता है वो डाल सकते हैं, यहाँ पर पहले का बकाया या एडवांस। तो देख सकते हैं आप दैनिक स्टाफ भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, मोबाइल नंबर जो भी रहेगा, प्रति पीस ये भी एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, स्टाफ का महीना, बकाया या एडवांस। और एक बचा है साप्ताहिक, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साप्ताहिक कैलकुलेशन होगा लेकिन यहाँ पर हमें दैनिक सैलरी डालनी है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कि काम के लिए सप्ताह कब शुरू होता है, तो यहाँ पर हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल सकते हैं बकाया या एडवांस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे स्टाफ की हम
प्रोफाइल ऐड कर चुके हैं। तो मासिक में क्या क्या ऑप्शंस है, हाजिरी लगाएं, सैलरी स्लिप, पेमेंट जोड़े, बोनस ओवरटाइम, लोन हिसाब, अगस्त सैलरी, अगस्त पेमेंट्स, यहाँ पर आपको चालू महीने की सैलरी और पेमेंट्स दिख जाएंगे। हाजिरी लगाएं में जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 तारीख से ये सारे दिन हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसका महीना सिलेक्ट किया है 1 से 1। और हाजिरी आप देख सकते हैं उपस्थित ऑटोमेटिकली लग गई है, तो यहाँ पर आपका टाइम और एफर्ट्स बचाने के लिए ऑटोमेटिक उपस्थित लग जाती है। हाफ टाइम लगा सकते हैं, मतलब ये अगर ऑटोमेटिक लग गई है तो इसे चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको छुट्टी देनी है मतलब पेड लीव तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लेट फाइन लगाना है, ओवरटाइम जोड़ना है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं स्टाफ को अनुपस्थिति का SMS भेजें, तो यहाँ पे आप हाजिरी में जो भी एंट्री करेंगे उसकी अगर इन्फॉर्मेशन स्टाफ को भेजनी है SMS के माध्यम से, तो यहाँ पे आप जो भी एंट्री करेंगे वो स्टाफ को SMS के माध्यम से चली जाएगी, अगर यहाँ पे ये सिलेक्टेड रहेगा तो। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो इस एंट्री का स्टाफ को SMS नहीं जाएगा, इसलिए अगर स्टाफ को SMS भेजना है इस एंट्री का तो यहाँ पे सिलेक्ट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप यहाँ पर नोट भी लिख सकते हैं, अगर ये अनुपस्थित है तो ये क्यों अनुपस्थित है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। इसके साथ सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं आप, या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं फुल स्लिप या संक्षिप्त स्वरूप में, और इसकी डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं शुरुआती और अंतिम। इसके साथ अगर आपने स्टाफ को कुछ पेमेंट कर दिया है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो, और यहाँ पर डेट, और इसे हम सेव करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टाफ को SMS भेजें, ये अगर सिलेक्टेड है तो स्टाफ को SMS चला जाएगा और नहीं है तो नहीं जाएगा। तो ये आप अगस्त पेमेंट्स में मतलब चालू महीने के पेमेंट्स में देख सकते हैं। अगर इसे एडिट या डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट या एडिट कर सकते हैं। बोनस या ओवरटाइम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरटाइम वेतन हमें डालना है 1 घंटे का, और यहाँ पर कितने घंटे उसने ओवरटाइम किया वो, और यहाँ पर अगर हमें तिथि बदलनी है तो वो बदल सकते हैं, और यहाँ पर हम ओवरटाइम जोड़े पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप चालू महीने के सैलरी में, मतलब अब देख सकते हैं अगस्त सैलरी में। अगर इसे एडिट भी करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गया डिलीट। इसके साथ अगर बोनस जोड़ना है तो बोनस राशि यहाँ पर हम डालेंगे, कौन सी तारीख को दिया वो, और यहाँ पर अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है मतलब उसकी वजह लिखनी है तो वो लिख सकते हैं। अगर स्टाफ को लोन दिया है तो उसका भी हिसाब हम यहाँ पर कर सकते हैं, लोन डाले पर क्लिक करेंगे, तिथि चुनेंगे, और यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो, लोन डाले पर क्लिक करेंगे। अगर ये लोन काटना है तो लोन काटे पर क्लिक करेंगे, जितनी रकम काटनी है तो वो हम यहाँ पर डालेंगे, और कौन से सैलरी साइकिल से ये काटना है तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको दिखाई देगा अगस्त सैलरी, क्योंकि यहाँ पर पिछला महीना हमने जोड़ा नहीं है, और जोड़ने के बाद पिछला महीना भी यहाँ पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन कुछ रहेगा तो वो, और लोन काटे पर क्लिक करेंगे। अगर लोन और डालना है, 5,000 का और लोन मैंने इस स्टाफ को दे दिया है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, लोन डाले पर क्लिक करके, यहाँ पर तिथि और डिस्क्रिप्शन और लोन डाले पर क्लिक करेंगे, तो ये भी एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर लोन का रिपोर्ट आपको डाउनलोड करना है तो ऊपर राइट साइड में एक सर्कल देख सकते हैं आप, वहाँ पर क्लिक करके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं लोन का। इसके साथ अब पिछला महीना जोड़े पर क्लिक करेंगे तो पिछला महीना यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो देख सकते हैं जुलाई क्लोजिंग बैलेंस 10,000। अगर ये पेमेंट आपने कर दिया है तो बकाया क्लियर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो भी राशि आपने पेड की है, रकम पेड की है वो यहाँ पर डालेंगे, और पिछले महीने की डेट हम सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई क्लोजिंग बैलेंस जीरो बन गया। और अगर पिछले महीने की हाजिरी हमें लगानी है तो हाजिरी लगाए में जाएंगे, यहाँ पर हम मंथ चेंज करेंगे और यहाँ पर हम जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। ओवरटाइम जोड़ने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 घंटे बन गए। यहाँ पे अगर लेट फाइन लगाना है वो भी आपको दिख जाएगा और नोट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ अगर मुझे इस प्रोफाइल के कुछ डिटेल्स चेंज करने हैं, एडिट करने हैं, तो पेन वाला आइकॉन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टाफ का नाम, मोबाइल नंबर, शिफ्ट घंटे, सैलरी अवधि ये हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्टाफ का खाता कुछ दिनों के लिए हमें बंद करना है तो वो भी हम बंद कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और खाता बंद करने पर स्टाफ को हर दिन अनुपस्थित माना जाता है। स्टाफ की हाजिरी और हिसाब शेयर करना है व्हाट्सएप पर तो वो भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और डिलीट करनी है स्टाफ की प्रोफाइल तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये था मासिक स्टाफ, अब देखते हैं प्रति पीस वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त सैलरी और अगस्त पेमेंट्स ये जीरो हैं। और एक नया ऑप्शन आप देख सकते हैं, काम लिखे, हाजिरी लगाए हैं, सैलरी स्लिप है, पेमेंट जोड़े हैं, बोनस ओवरटाइम, लोन हिसाब, ये सब में सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर पीस में काम लिखे, तो यहाँ पर हमें काम विवरण लिखना है, रेट प्रति इकाई और यूनिट्स कितने हैं और काम लिखे पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप अगस्त सैलरी में ये अमाउंट देख सकते हैं, रकम देख सकते हैं। इसे एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं या डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि काम की लिस्ट या काम का रेट वहाँ पर एंटर करके रखना है तो काम का रेट पर हम क्लिक करेंगे, काम का रेट जोड़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डिटेल्स डाल देंगे। तो ऐसे करके आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जब आप काम लिखे में जाएंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यूनिट्स डाल सकते हैं, डेट चुन सकते हैं और इसे काम लिखे पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और उसके बाद ये सैलरी सेक्शन में दिखाई देगा और यहाँ पर हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर पिछला महीना जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग बैलेंस जीरो दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमने काम ऐड नहीं किया पिछले महीने में। तो यहाँ पर काम का विवरण, रेट प्रति इकाई और पिछले महीने में कितनी यूनिट्स काम किया वो, और हमें यहाँ पर तिथि डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई क्लोजिंग बैलेंस जो अभी हमने काम जोड़ा था तो वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अगर इसका पेमेंट कर दिया है तो बकाया क्लियर पर जाएंगे और यहाँ पर वो डेट हम सिलेक्ट करेंगे पिछले महीने की और यहाँ पर सेव करेंगे। हाजिरी जैसे कि हमने पहले देखा था उपस्थित लग जाती है ऑटोमेटिकली क्योंकि आपका टाइम और एफर्ट्स बचाने के लिए, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसकी भी डिटेल्स हमें एडिट करनी है, बदलनी है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ये पेन वाला आइकॉन है तो यहाँ पर क्लिक करके हम ये एडिट कर सकते हैं। इसके साथ दैनिक स्टाफ देखते हैं, यहाँ पर भी आप सेम डिटेल्स देख सकते हैं जैसे मासिक के थे, हाजिरी लगाएं, उपस्थित है ऑटोमेटिकली, सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं, पेमेंट जोड़ सकते हैं, अगर कुछ रकम पेंडिंग है स्टाफ को देनी है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके डाल सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन डेट सेव करेंगे। और ये आप देख सकते हैं अगस्त पेमेंट्स में। और इसे एडिट करना है, डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये डिलीट या एडिट कर सकते हैं। इसके साथ है बोनस ओवरटाइम, यहाँ पर आप
एक घंटे का ओवर टाइम वेतन डाल सकते हैं, और नीचे कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर तिथि जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ओवर टाइम जोड़े पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ये आपको दिखाई देगा सैलरी सेक्शन में, और इसे भी अगर एडिट या डिलीट करना है तो यहाँ पर जाके आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोन का हिसाब कर सकते हैं, इसके साथ पिछला महीना जोड़ना है तो वो भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जुलाई क्लोजिंग बैलेंस, और अगर ये रकम हमने दे दी है स्टाफ को तो बकाया क्लियर पर क्लिक करके हम ये यहाँ पर क्लियर कर देंगे, और यहाँ पर हमें पिछले महीने की डेट सिलेक्ट करनी है तो ये क्लोजिंग बैलेंस क्लियर हो जाएगा। हाजिरी भी आप पिछले महीने की लगा सकते हैं, हाजिरी लगाए में जाएंगे और यहाँ पर हम महीना चेंज करेंगे, मंथ चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा मासिक स्टाफ, दैनिक स्टाफ, प्रतिपी स्टाफ, और अब देखते हैं साप्ताहिक स्टाफ। हाजिरी लगाएं, सैलरी स्लिप, पेमेंट जोड़े, बोनस ओवरटाइम, लोन हिसाब, ये सब सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस है। वीकली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर आप हाजिरी लगा सकते हैं, सैलरी स्लिप भी उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। पेमेंट जोड़ना है तो वो आप जो भी रकम है वो डाल के डेट सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, और वो आपको उस वीक के, उस सप्ताह के पेमेंट्स में दिखाई देगी। और ये अगर एडिट या डिलीट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, बोनस और ओवरटाइम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लोन हिसाब यहाँ से रख सकते हैं, और चालू वीक का, चालू हफ्ते का यहाँ पर हम सैलरी का रकम देख सकते हैं। दैनिक सैलरी अगर हमको बदलनी है, एडिट करनी है, तो वो हम यहाँ से बदल सकते हैं और उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन बदल जाएंगे। यहाँ पर भी प्रोफाइल अगर एडिट या डिलीट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, नाम, मोबाइल नंबर, शिफ्ट घंटे, सैलरी अवधि, ये एडिट कर सकते हैं, स्टाफ का खाता बंद कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, हाजिरी और हिसाब शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ अगर प्रोफाइल ही डिलीट करनी है स्टाफ की तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रति घंटा स्टाफ, यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शंस दिखाई देंगे, हाजिरी, सैलरी स्लिप, पेमेंट जोड़े, बोनस ओवरटाइम, लोन हिसाब, और यहाँ पर अगस्त सैलरी और अगस्त पेमेंट्स, पिछला महीना जोड़े। लेकिन हाजिरी में आपको एक अलग ऑप्शन मिलेगा, वो है पंच इन और पंच आउट। यहाँ पर जब वो काम शुरू करते हैं वो टाइमिंग हम यहाँ पर डाल सकते हैं, और कब उन्होंने काम ख़त्म किया वो टाइमिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर घंटे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और इसके हिसाब से सैलरी दिखाई देगी। प्रति घंटा सैलरी है 200 और 3 घंटे काम किया तो 600 रुपये, और अगर हम कुछ पेमेंट जोड़ते हैं उसकी डेट और सेव करेंगे तो ये पेमेंट्स में आ जाएगा, इसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं। पिछला महीना जोड़ेंगे, लेकिन जुलाई क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो है, क्योंकि हमने हाजिरी लगाए में पंच इन पंच आउट नहीं किया, तो ये अगर हम एंटर करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी आ जाएगी। तो एक करके देखते हैं, तो मान लो 15 तारीख को इस बंदे ने काम किया था 3 घंटे, और पंच आउट टाइमिंग डालेंगे 12 और इसे सेव करेंगे, तो ये अब जुलाई क्लोजिंग बैलेंस में आपको दिखाई देगा। और अगर हमने ये पेमेंट कर दिया है तो बकाया क्लियर पे जाएंगे और यहाँ पर पिछले महीने की जो कि पेमेंट की डेट है वो सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे। यहाँ पर भी आप सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं,
जो भी आपको डेट सिलेक्ट करनी है, शुरुआत की और अंतिम तारीख, और इसे डाउनलोड और शेयर कर सकते हैं। प्रोफाइल के डिटेल्स एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर बिजनेस की प्रोफाइल हमें देखनी है, एडिट करनी है, तो प्रोफाइल पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम पर्सनल जानकारी एडिट कर सकते हैं, मतलब आपका नाम, बिजनेस का नाम। उसके साथ सेटिंग्स आप देख सकते हैं, हर महीना 30 दिन का मासिक सैलरी जोड़ने का तरीका जो है वो अगर हमें बदलना है तो यहाँ पे हम बदल सकते हैं, और अगर बदलते हैं तो उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन बदल जाएंगे। लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं, बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा बिजनेस जोड़े हैं तो यहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं। पगार बुक ऐप शेयर करना है तो यहाँ से हम वो शेयर कर सकते हैं। FAQs में जाएंगे तो यहाँ से आप बहुत सारे सवाल पढ़ सकते हैं और ऐप के बारे में जो भी सवाल है वो क्लियर कर सकते हैं। लॉगआउट करना है तो यहाँ से आप लॉगआउट कर सकते हैं। और पगार बुक ऐप पर आप जॉब पोस्टर भी बना सकते हैं, नियुक्त करें वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जॉब पोस्टर बना सकते हैं। जो भी आपका जॉब टाइटल रहेगा और यहाँ पर उनकी सैलरी प्रति महीने की, और यहाँ पर काम का विवरण, यहाँ पर आपका संपर्क नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर, बिजनेस का नाम, पता, और अगला पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा पोस्टर हम शेयर कर सकते हैं। और अगर इसे एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेन वाला आइकॉन जो है राइट साइड में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट कर सकते हैं, ये भी एडिट कर सकते हैं। तो जब हम ये शेयर करेंगे तो उसके साथ एक लिंक जाएगी जिस पर क्लिक करके लोग अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब को, और उनके डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक सूची में। और अगर आप सारे स्टाफ का ओवरऑल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, पेमेंट या अटेंडेंस का, तो कुल बकाया जो रकम है उसके सामने एक बटन है रिपोर्ट, वहाँ पर क्लिक करके आप ये पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अवधि भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पिछले महीने या पिछले सप्ताह कुछ यहाँ पर ऐड है तो वो भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं और वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हाजिरी का पूरा ओवरऑल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, और ऊपर राइट साइड में एक सर्कल है, वहाँ पर क्लिक करके ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें और एक बिजनेस जोड़ना है, उसका भी हिसाब हमें यहाँ पर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पगार बुक नाम डाला है बिजनेस का, तो उसके बगल में एक छोटा सा एरो है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। खाता चुने या नया बिजनेस जोड़े, ये विंडो आपको दिखाई देगी। नया बिजनेस जोड़े पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर नए बिजनेस का नाम, यहाँ पर मासिक सैलरी कैसे जोड़ते हैं, हर महीना 30 दिन का या कैलेंडर मंथ, इसमें से सही जो है वो आप चुन सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट के घंटे आप डाल सकते हैं और ये नई प्रोफाइल बन जाती है। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से स्टाफ जोड़ सकते हैं, स्टाफ का नाम, स्टाफ का मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो भी सही तरीका है सैलरी पेमेंट का वो आप चुन सकते हैं। और यहाँ पर स्टाफ का महीना कैसे चलता है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पहले का कुछ बकाया या एडवांस वो। और दूसरा बिजनेस अभी ओपन करना है जो पहले वाला था, तो फिर से हम ये बिजनेस नेम जो है वहाँ पर क्लिक करेंगे, और पहले वाला जो बिजनेस का नाम है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पुराने बिजनेस की प्रोफाइल लोड हो जाएगी। तो ऐसे आप दो या तीन या एक से ज़्यादा बिजनेस पगार बुक पे मैनेज कर सकते हैं। और प्रोफाइल में जाएंगे, अगर कोई बिजनेस डिलीट करना है तो यहाँ से आप वो डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्टाफ की संख्या भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो पगार बुक ऐप के होम स्क्रीन पर हेल्प बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आपका मैसेज भेज सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद।